Good morning student, welcome to class 3rd. This is your English lecture. Today we discuss application and urgent piece of work. आज हम an urgent piece of work करेंगे बेटा. An urgent piece of work का meaning होता है कि ज़रूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र. देखिए बेटा, ये इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे द प्रिंसिपल. इट मीन्स कि आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को. तो द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का क्या नेम है, चंदन बाल विकास पब्लिक स्कूल. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आट्टा स्मालखा. उसके बाद आपको लिखना है बेटा डेट. डेट क्या है, आज May 3, 2021. उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं बेटा. सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, जो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही लिखते हैं, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. ठीक है बेटा. उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, कि हम प्रिंसिपल सर से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनसे ज़रूरी काम के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, तो हम उनको लिख रहे हैं, तो हम उनको आदर के साथ बुलाएंगे, रिस्पेक्टेड सर. विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से डैट, कि मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ थर्ड ए और बी. ए सेक्शन वाले स्टूडेंट ए लिखेंगे और बी सेक्शन वाले स्टूडेंट बी लिखेंगे, कि मैं आपके स्कूल में थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ, ए सेक्शन में या फिर बी सेक्शन में. क्लास इन योर स्कूल, आपके ही स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है. सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल टूडे, इसलिए आज. टूडे का मीन्स आज, कि इसलिए आज मैं स्कूल में नहीं आ सकता. आई विल नहीं आ सकता, नॉट बी एबल, सक्षम नहीं हूँ आने में स्कूल आज के दिन. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, कृपया करके मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए या एक दिन का अवकाश प्रदान करिए. इट मीन्स दैट इज़, कि कौन सी डेट को आपको छुट्टी चाहिए, May 3, 2021. फिर उसके बाद आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, कि इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंकिंग यू, धन्यवाद आपका. योर्स ओबीडेंटली, ओबीडेंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, मतलब आपकी हमेशा आपकी बात का पालन करने वाला विद्यार्थी जो होगा वो लिखेगा योर्स ओबीडेंटली. उसके बाद बेटा ये मैंने यहाँ पे डैश छोड़ा है, यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे. अगर आपका नाम जो भी है आप सिर्फ वो लिखोगे, आप ऐसे करके नेम नहीं लिखोगे, एन ए एम ई ऐसे करके फिर अपना नेम नहीं लिखोगे, डायरेक्ट अपना नेम लिखोगे. लाइक आपका नाम यश है तो आप लिखोगे YASH यश. ठीक है, उसके बाद क्लास लिखोगे, क्लास थर्ड ए और बी. अगर आप क्लास थर्ड में हो तो आप लिखोगे क्लास थर्ड ए, और अगर आप बी क्लास के बच्चे हो तो आप बी सेक्शन बी मेंशन करोगे. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.